मूर्ख दुर्योधन, मुझे तुम दासी नहीं बना सकते। मान्य नहीं। गोविंद 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 किशन जी आ गए भाई साहब। सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू द मोस्ट मस्सी YouTube चैनल। वेलकम टू मम्मी आ जा सेट्स टीवी। वेलकम टू सेट्स टीवी। सो गाइस थैंक यू फॉर एयरपोर्ट्स के लिए। रुक जा जोश में आता हूं। कट इट यार, कट इट। So guys, welcome back to another reaction video. And also guys, आप इतने सारे मेरे को कमेंट कर रहे हो तो मेरे को फिर से एक और मैं वीडियो ले आया हूँ। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस करा था guys, आज की वीडियो होने वाली है द्रौपदी की। So इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। Also guys, अगर आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो। रेड कलर का बटन होगा, उम्मीद क्या करना है, पूर्ण करके फोड़ दो भाई, फोड़ फाड़ दो। साइड में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू भाई। So guys, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देन मम्मी हम बात करेंगे क्या सीन था एंड हमें क्या बोलना है। ऑलरेडी कनेक्टेड हैं मेरे एयरपोर्ट्स एंड गाइस ये रही मेरी वीडियो। अभी मैं करूंगा इसको प्ले एंड ऑल्सो गाइज आप मेरे कमेंट में ऐसे आप बताते रहा करो। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा गाइज, अगर आप कमेंट भी करते हो ना तो प्लीज गाइज थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे को इंस्टाग्राम पे ना गाइज वीडियो भेज दिया करो, जो मेरे को थोड़ा इजी हो जाता है वीडियो को रिएक्ट करना एंड वीडियो को ढूंढना। सो बिना किसी को बात फालतू करे जल्दी से इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ एंड लेट्स गो। हम उसके वस्त्र उतारेंगे सारी सभा के सामने। ये बस फ्रेंड वाली वीडियो है क्या? द्रौपदी पितामह, आपकी कीर्ति तो समग्र आर्यवर्त में है, आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं। अपने समक्ष ऐसा व्यवहार देख के आप मान किस प्रकार रह सकते हैं? आपको पता है क्या हुआ था, बट अभी हम देख लेते हैं वीडियो। द्रौपदी के बस आप तो यहाँ मेरे पिता के स्थान पर हैं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? सब चुप रहे थे, बिल्कुल यार सब चुप रहे थे। रो रहे हैं बट सब चुप। दासी हूँ मैं, इस प्रकार बन गई दासी। मजबूर थे पर मेरे प्रश्न का उत्तर कभी आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने दिया ही नहीं। यदि वो स्वयं को युद्ध में हार चुके थे तो उनका मुझ पर अधिकार ही नहीं था, फिर किस प्रकार उन्होंने मुझे दांव पे लगाया? मैं इस सारी सभा से प्रश्न करती हूँ, किस प्रकार का धर्म है? आओ दासी द्रौपदी, मेरी जंघा पर बैठो, आओ। मुझे तुम दासी नहीं बना सकते क्योंकि मुझे वो स्वीकार्य नहीं, मान्य नहीं। दुशासन, हिसाब से हम हार रहे हैं तो हम। जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ की सभा में समग्र आर्यवर्त के सामने हमें निशस्त्र किया था, उसी प्रकार इसे इस सभा में निर्वस्त्र कर दो। गोविंद गोविंद गोविंद। ये बोला था ना, याद करना। तदात्मानं सृजाम्यहं। क्या करेंगे? ओ किशन जी करेंगे अब खेल। कोई कुछ नहीं कर पाया पर भाई किशन जी ही आई हेल्प कर पाया। वाओ भाई वाओ, ये थे मैजिक भाई उस टाइम पे, ये थी पावर किशन जी की। हेल्प तो सबके कपड़े उतार।
है, ये क्या हो रहा है मैजिक? ओ सबके हट रहे हैं, ओके मेरे हिसाब से भाई ये यहाँ पे ये हो रहा है, किशन जी ने सबके कपड़े उतार दिए भाई, तुम कुछ नहीं बोल पा रहे और द्रौपदी को सेव कर रहा हूँ, सेव कर रहे हो क्योंकि सबके कपड़े उतार दिए। भाई हाथ जोड़ लो भाई साहब, कोई कुछ नहीं कर पाया था, सबके पता है ना, इन्हें सबके कपड़े उतार दिए। देखो यार वाओ, व्हाट अ सीन, व्हाट अ सीन, व्हाट अ सीन, और बोलते ही वीडियो खत्म। ओ भाई साहब, मम्मी क्या वीडियो थी ये, क्या तगड़ी वीडियो थी। एंड गाइस आपको तो पता ही होगा मतलब ये जो सीन हुआ था गाइस द्रौपदी के बारे में, बाल बहुत हिल रहे हैं, बट चलो कोई नहीं, देखो सबको रिक्वेस्ट करी, किसी ने नहीं सुनी, मौन थे वो, किसी वजह से मौन थे, सब करना चाहते थे, बट उस टाइम पे मेरे हिसाब से एक वो होता था गाइस, जो चीज मुंह से निकल गई है वो उसी को फॉलो करते थे, और वो तब अपने धर्म को फॉलो करते थे, वो हार चुके थे किसी तरह चीटिंग से, उन्हें नहीं पता चला चीटिंग हो रही है, बट वो हार चुके थे, अब वो पीछे नहीं हट सकते थे, वो उनको मानना ही पड़ा था कि हम हार चुके हैं सब कुछ। सो भाई लेकिन लास्ट में जब कृष्ण जी को उन्होंने याद किया, उन्होंने कहा गोविंद, वाओ यार वाओ भाई, ये जो सीन आया था कृष्ण जी का, मम्मी ऑसम भाई ऑसम। एंड गाइस सबसे ज्यादा तगड़ा सीन तो मेरे को इसमें ये लगा, वो सबके कपड़े उतार दिए, सबके देखो कर दिया सबको मिलन बस, सबके कपड़े उतार दिए भाई, जो उस टाइम पे सब चीजें देख रहे थे चुप रह के, और द्रौपदी की उन्होंने हेल्प करी। ओ भाई साहब गाइस सब बोल दो मेरे साथ जय श्री कृष्ण भाई, एंड कमेंट कर दो यार। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब रो रहे थे लेकिन हेल्पलेस थे, सही वर्ड है भाई इसके लिए, पता नहीं क्या ही बोलूं मैं इस टॉपिक को लेके, बट यार वाओ यार, और वाओ इसको मैं बोलना ही चाहता, बट किशन जी की जो कृष्ण की जो लीला है, अपरंपार है, जो मैजिक उन्होंने करा भाई वाओ, और ये हमारी हिस्ट्री में गाइस ये लिख चुकी है एंड ये कभी चेंज नहीं होगी। काफी लोग कहते हैं ये सब झूठी स्टोरीज है, बट ये स्टोरीज कुछ भी नहीं है भाई, रियल है। एंड मेरे को भी काफी अच्छा लग रहा है गाइस ये वीडियोस को रिएक्ट करके एंड वीडियोस को देख के, वैसे मेरे को सब कुछ हमें पता है, देख के इमोशनल से हो जाते हैं एकदम, थोड़ा सा बहुत दुख होता है कि द्रौपदी का कितना वो हुआ, गलत हुआ, मतलब यार चलो अब जो होना था वो हो गया था, बट हमें सबको बारे में पता है। एंड मैं जब भी ये वीडियो देखी यार मेरे को तो काफी ज्यादा मतलब मैं भी थोड़ा हर्ट सा ही हो गया, काफी सैड मोमेंट है ना। सो जो भी है यार, अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, आप कमेंट करके बता सकते हो आपको कैसा लगा ये रिएक्शन, एंड मिलता हूँ आप सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड विद दैट सेड एज ऑलवेज यू नो इट गाइस, याल्ला योल बाय। एंड ऑल्सो गाइस मेरे को आप इंस्टा पे या फिर कमेंट करके बता देना मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊँ, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बाय।